हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया से। आपने कहा घोटालों की अगर जांच हो, सत्यता हो, और चूंकि ये आरोप कोई आज से नहीं लग रहे हैं, काफी पहले से लग रहे हैं, और ये बिल्कुल सच है कि मध्य प्रदेश में खनिज को लेकर जिस तरह की नीतियां बनी हैं, जिस तरह का काम अब हुआ है, उतना पिछले कई वर्षों में नहीं हो पाया। यानी जाहिर है कि सरकार का पूरा फोकस खनिज की तरफ है। लेकिन बहरहाल मेरा जो सवाल ये है कि अगर ये आरोप सत्य थे तो ना तो आपकी केंद्र की सरकार है, ना कांग्रेस ने कोई बड़ा मुद्दा आज तक खत्म खड़ा किया, ना कांग्रेस ने कभी सड़क पर कोई आंदोलन किया, ना ही कोई सिवाय बयान जारी करने के अलावा कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया है। सरकार कांग्रेस को कभी भी गंभीर मानती नहीं है, वो यहाँ तक कि विपक्ष के नेता को साधना भी उसे आता है, उसका जो मैनेजमेंट है वो इतना बढ़िया है, निश्चित है कि आपको भी साधने की कोशिश की गई होगी। एक तो ये या आपको साधने की कोशिश की गई, और दूसरा ये कि अगर ये आरोप वास्तव में आप जैसा कि बता रहे हैं कि गंभीर थे, तो फिर कोई कार्रवाई करने से क्यों बची सर कांग्रेस? देखिए, मुझे तो कुछ ही दिन पहले ये कार्य मिला है और 6 महीने के अंदर मैंने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, जितनी भी जानकारी मुझे मिली उस हिसाब से और साथियों के साथ। पहली सीढ़ी थी अविश्वास, वो हम पेश कर चुके हैं। अब जाएंगे जमीन पर कांग्रेस पार्टी के साथ, संगठन के साथ, इन्हीं मुद्दों पर गांव-गांव, जिले-जिले बहस होगी, चर्चा होगी, धरना प्रदर्शन होगा। और जहां तक साधने की बात आपने कही, तो किसी ने कोशिश की हो ना की हो मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन वो भी जानते हैं कि हमें साध नहीं सकते हैं, इससे ज्यादा क्या कह सकता। आपने सीएम की जो बात करी, आपने कथित भ्रष्टाचार को लेकर कई तरह के आरोप लगाए, एक तो डायरेक्ट हिट शिवराज को नहीं कर पाया, आपने उनके रिश्तेदारों को जरूर पकड़ने की कोशिश की, मगर वो भी जो है वो डायरेक्ट हिट नहीं था। हर अविश्वास में ये तो मंत्री के ऊपर टारगेट होता है, यह मंत्री या मुख्यमंत्री के रिश्तेदार के ऊपर होता है, ठीक। सत्ता का दुरुपयोग मेन मुद्दा है अविश्वास का, तो परिवारजन यदि मुख्यमंत्री के 2005 के पहले क्या ठेकेदार थे, और अचानक 2005 के बाद जितने भी रिश्तेदार थे वो करोड़ों के ठेके लेने लगे, ये मिसयूज ऑफ पावर है कि नहीं है? यदि है तो गंभीर आरोप है कि नहीं है? नहीं, मगर तर्क भी तो है कि यह कांग्रेस के शासनकाल में भी होता है। ठीक है, आप उस समय आपने अविश्वास प्रस्ताव लाया, हमें चिंता हुई, दिग्विजय सिंह जी के समय पर अविश्वास आया, 3 मंत्री चले गए थे, हुआ था कि नहीं? यहाँ पर क्या है, लोक आयोग के घेरे में 5-7 मंत्री हैं, आप परमिशन नहीं दे रहे हो, हटते हैं करोड़ों रुपए उनके घर में, उनके परिजनों के यहां मिलते हैं, वापस मंत्री बन जाते हैं, फिर संरक्षण प्राप्त हो जाता है, फिर भ्रष्टाचार शुरू हो जाता है, और उसके बाद आप कहो कि हम बड़ा साफ प्रशासन दे रहे हैं। जब ये इतना सब कुछ हो रहा था तब भी कांग्रेस मौन थी, आज भी आपने अविश्वास प्रस्ताव लगाया, तब भी ये सारे जो तथ्य आना चाहिए थे विधानसभा में, ये नहीं आ पाए, क्यों? पहले की क्यों नहीं मुझे नहीं मालूम, अब आ गए हैं, अब आगे कार्रवाई होगी हमारी तरफ से, अब रुकावट नहीं है कोई, पहले क्यों नहीं आए तो अब क्यों आए, अब आ गए, आगे देखे क्या होता। अच्छा, दूसरा ये कि ये केवल अविश्वास प्रस्ताव की आपने बात की है, आपने कहा कि ये आरोप आपने वहां लगाए और निश्चित रूप से एकांतवास पे तो आपने जाने को मजबूर किया ही किया है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरकार आने वाले समय में किसी बदलाव की उम्मीद में दिखती है या मूड में दिखती है, ना ही मुझे लगता है कि जो पूरा नेक्सस बना हुआ है, जो चल रहा है, उसको भी कहीं थाम पाए आप। मैंने साफ अपने अविश्वास के भाषण में कहा था कि मुख्यमंत्री चिंतन करे, थोड़ा हट के, और 2 विकल्प थे, चिंतन के बाद इस नेक्सस को, जो भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट नेता और सब लोग जो मिल गए हैं, यदि उस चिंतन के बाद इनके ऊपर कार्रवाई होती है तो हमें 2013 में कठिनाई होगी लड़ाई लड़ने में, यदि वो कार्रवाई नहीं करते और जैसा चल रहा है वैसे चलने देते हैं, फिर से वापस संरक्षण प्राप्त रहता है और वही लोगों का नेक्सस बना रहेगा, और अब नेक्सस और तगड़ा हो जाएगा क्योंकि अब ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे। यदि ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे तो 2013 में हमें उतनी ही आसानी रहेगी। मतलब वो मुकालते में रहें और आप काम कर जाएं।
दूसरा एक और सबसे जो इसमें अहम सवाल ये उठता है कि मुख्यमंत्री के परिजन हैं या मुख्यमंत्री से संबंधित जो भी आरोप आपने लगाए हैं उसमें अखबारबाजी ज़्यादा थी, मतलब कि वो पोस्टिंग जो होती है IAS अधिकारियों की जो पोस्टिंग होती है या ट्रांसफ़र जो होते हैं वो CM हाउस से होते हैं, जो सीधा सीधा आरोप था। फिर आपने उनके परिजनों पर लगाया कि उन्होंने आय से अधिक संपत्ति पिछले कुछ चंद सालों में इकट्ठा कर ली है। आय से अधिक संपत्ति की बात नहीं कही थी, मैंने कहा था ठेके, PWD के ठेके, और सिर्फ मात्र भोपाल बड़ा होशंगाबाद डिवीजन मान लिया जाए सर, यहाँ पर किस तरह से ठेके आवंटित हो रहे हैं, किस तरह से काम हो रहा है, यही लोग जो पहले कहीं थे नहीं। यदि मुख्यमंत्री जी थोड़ा सा भी सोच रखते हैं तो जिनके जिनके मैंने नाम लिए हैं उनके खुलासा कर दे पिछले 5 साल के इनकम टैक्स रिटर्न। नहीं, मैं थोड़ा सा इसके ये सवाल इसलिए पूछ रहा था कि मुझे ये लगा कि शायद कुछ तथ्यात्मक जानकारी कम है, क्योंकि जैसे नहीं तथ्यात्मक जानकारी पूरी थी। नहीं, मेरा ये आप सुनिए, जैसे आपने कहा संजय सिंह पिछले 3 सालों से कोई ठेके का काम नहीं कर रहे, उनको हटा दिया यहाँ से, बाहर कर दिया MP से उनको। मतलब किसने कहा मेरे पास प्रमाण है इसी साल ठेका उनको मिला। किस बात का ठेका मिला? PWD का, एक विभाग से उनका सस्पेंड होता है जो भी उसको मापदंड कहते हैं A4 A3, और दूसरे विभाग का है। अब थोड़ा होशियार हो गए संजय सिंह, थोड़ा पीछे हो जाते हैं, किसी और के नाम से आगे हो जाता है। हाँ, मतलब किसी और के नाम से है। मामला तो एक ही है। नहीं, बस जो बड़ी मछली थी, मतलब मेरा ये बार बार ये पूछना है कि आपने इसमें बड़ी मछलियों को जो सरकार चला रहे हैं, जो इस पूरे निर्माण को चला रहे हैं, एक ग्रुप जो है 5,000 करोड़ का बन गया है पूरे 5 सालों के अंदर, लेकिन वो कहीं उसका उल्लेख नहीं है, तो मेरा समझ में ये नहीं आया। उल्लेख सबका हुआ है। देखिए, आप थोड़ा भटके ना, किसी न किसी विधायक ने सबका ऊपर आरोप लगाया है। मेरी बात जहां तक है, अब उदाहरण के लिए बड़ी मछली के लिए मैं सुधीर शर्मा के बारे में कहा, क्या है उसका, 5 साल पहले कहां थे, आज कहां है, कितना इनकम टैक्स रिटर्न उन्होंने भरा है, और 4 साल पहले नील रिटर्न पर थे, तो ये कहां से आ गए? ये सरकार के संरक्षण से ही हुआ, कहीं बाहर से तो नहीं आ गया, इसका भी तो उत्तर देना पड़ेगा। बहरहाल, आपसे बातचीत हमारी जारी रहेगी, हम जल्द हाजिर होते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, JP सीमेंट। मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। किसानों की सेवा में अनवरत रत कृषि उद्यमी वंदना शिवा इस पीढ़ी के लिए हैं मार्गदर्शी। क्यों शनि का इतना भय इस संसार में फैला हुआ है? क्या वास्तव में शनिदेव लोगों को भयभीत करते हैं? क्यों है शनि की साढ़े साथी और भैया का